वेलकम टू संसार ग्रीन। संसार ग्रीन इंडिया की बेस्ट गार्डनिंग चैनल और नई और अलग तरह की जानकारियां हमारी स्पेशलिटी है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर दिल अजीज है। आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। खूबसूरत रंग बिरंगे पत्ते पहले ही जाहिर कर रहे हैं कि हमारी आज की वीडियो का सब्जेक्ट कैलेडियम है। कैलेडियम को हिंदी में चंदन कच्चू भी बोलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला एक पौधा है जो छाया में लगता है, यानी कि शेड लविंग प्लांट है। इन्हें कंद से लगाया जाता है और इन्हें बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। कैलेडियम एरिएसी कुल का फूलों वाला बेहद खूबसूरत पौधा होता है। इसे ज़्यादा नमी और गर्म मौसम पसंद है। आप इन्हें कंपोस्ट वाली मिट्टी में घर के अंदर भी लगा सकते हैं। बस पॉट को वेल ड्रेन होना चाहिए और उसमें आपको रेगुलर वाटरिंग करनी होगी। इनके पत्ते इतने कलर में और इतने वैरायटीज में मिलते हैं कि आपके घर के इंटीरियर को सबसे अलग और शानदार लुक देंगे। एक खास बात, डॉर्मेसी पीरियड यानी कि जनवरी से मार्च तक इनमें पानी नहीं दी जाती है, वरना कंद खराब हो जाएंगे। इन्हें ग्रो करने के लिए ह्यूमस वाली मिट्टी चाहिए होती है। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, डिकम्पोज लीव या किसी भी तरह का कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। ये प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। पॉट का वेल ड्रेन होना जरूरी है, क्योंकि पॉट अगर वेल ड्रेन नहीं होगा तो इसमें वाटर लॉगिंग होगी, यानी जड़ों में पानी जमा हो जाएगा और जड़ें खराब होने लगेंगी, पौधा खराब हो जाएगा। ये शेड लविंग प्लांट है, तो आप प्लांट को इंडोर रखें या आप इन्हें पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं। ज्यादा सर्दी में इनके पत्ते सूखने लगते हैं और पौधा डॉर्मेसी की कंडीशन में चला जाता है, लेकिन मार्च के महीने में या जैसे ही तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, ट्यूब्स से नए पत्ते, नई कोपलें फूटने लगती हैं, जो ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक नज़र आती हैं। आपने भी कैलेडियम की कई किस्में देखी होंगी, पर शायद सबका नाम मालूम ना हो। हम कुछ नामों से आपका परिचय करा देते हैं। ये हैं खूबसूरत पॉइसिल एंग्लेस। लीफ मैन्योर या पत्तों की खाद कैलेडियम की किसी भी किस्म के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खूबसूरत व्हाइट क्वीन। इन्हें सनलाइट जरूरी नहीं है, मगर ब्राइट या तेज रोशनी इनके लिए अच्छी होती है। पत्तों का रंग खिला खिला रहता है। रेड चार्म, जी हाँ, यही है इनका नाम। जड़ों के पास की मिट्टी हटाएंगे तो इनके कंद निकल आएंगे। इन कंद को छोटे छोटे टुकड़े कर नए पौधे बनाए जा सकते हैं। सफेद पत्तों पर हरी वेंस वाली कैंडिडम सादगी से भरपूर जरूर हैं, मगर आकर्षक किसी से भी कम नहीं। सबसे सलोनी हमारी मिस मफेट। सफेद रंग के लेंसेपेड व्हाइट विंग, पत्तों की ग्रीन फ्लेयर कुछ अलग ही आकर्षण इनको देती है। हरे पत्तों पर लाल सफेद दो रंग के छींटों वाला बायो कलर कल्टीवर। हमने काफी सारी वैरायटीज के आपको नाम बताए, इनकी देखरेख का तरीका बताया और कंद से इन्हें लगाना भी बताया। आपको आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अच्छी चीजों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। प्लीज डू शेयर।